1.6 टॉपिक है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहले हम लोगों ने लेंथ को डिस्कस किया था कि लेंथ अगर मेयर करनी है विद एक्यूरेसी और बड़ी चीज़ों की लेंथ मेयर करनी है तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि मास मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे हम मास को मेयर कर सकते हैं। इसमें भी उसी तरह से होता है कि पहले जो है कुछ डिवाइसेस बने, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जिनकी एक्यूरेसी कम थी, फिर फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन होती गई और एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू वाले हमारे पास मास मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट अब अवेलेबल हैं। फर्स्ट है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस जो है ये एक तराजू होता है, ठीक है, जिसके दो पैंस हैं इस तरह से, और उन दो पैंस का काम क्या होता है कि एक पे हम स्टैंडर्ड मास रख देते हैं जो कि नॉन होता है, नॉन मास, और दूसरे पैन में जो हमने कैलकुलेट करना होता है मास, हम उसको पुट कर देते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि अगर वो बैलेंस हो रहे हैं, इट मींस के जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने लिया था, जो नॉन मास लिया था, ये दूसरा मास उसके बिल्कुल इक्वल है। बट इसमें मोस्टली क्या होता है, समटाइम हम जो वेट यूज़ कर रहे होते हैं, सपोज वो 1 kg का है या 1/2 kg का हमने मास यूज़ किए। अब 1/2 kg का मास यूज़ करने के बाद भी ये पैन इसके बिल्कुल इक्वल नहीं आया, इट मीन्स इक्विलिब्रियम जब क्रिएट ही नहीं हुआ, तो एक का मास जो है वो कम है या ज़्यादा है। अगर तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंड ये अपवर्ड, इट मीन्स 1/2 kg अभी भी ज़्यादा है दूसरे पैन का, दूसरे पैन की नस्बत। तो अब ये जो है इससे कम हमारे पास था ही नहीं कोई वेट, तो क्या होगा, हमारे पास एक प्रिसाइज और एक्यूरेट मेयरमेंट नहीं आएगी। हम इसको कह देंगे ठीक है ये अगर 1/2 kg नहीं है तो ये 1/4 kg होगा, तो हमें कोई एग्जैक्ट मेयरमेंट नहीं पता होती इसमें कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक मास और जो स्टैंडर्ड मास लिया है वो बराबर नहीं आ रहा जो मास हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसको हम अपने से ही वैल्यू दे देते हैं, उससे कम या ज़्यादा। अगर वो पैन ऊपर मूव कर रहे तो हम उसको थोड़ी कम वैल्यू दे देते हैं, तो क्या होता है उससे कोई एक्यूरेसी नहीं आती। और ये सबसे पहले ग्रीक और रोमन ने यूज़ किया था, ग्रीक एंड रोमन्स ने, बट फर्दर मोर क्या हुआ, मॉडिफिकेशंस होती गई और अब ये बहुत कम यूज़ होता है। बट पाकिस्तान में अभी भी ये थोड़ा है यूज़ में, लेकिन इससे कोई प्रिसाइज और एक्यूरेट मेयरमेंट नहीं ली जा सकती। इसी की अगर मॉडिफिकेशन करें, बीम बैलेंस में आ जाता है फिजिकल बैलेंस। बीम बैलेंस की आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जो हम देखते हैं कुछ लेके आ रहे होते हैं बेचने के लिए, कोई जिस तरह पतीसा वगैरह बेचने के लिए लोग आते हैं, तो उनके पास ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि वो समटाइम ऐसा होता है बुक्स लेके और आपको पतीसा दे देते हैं, तो वो बुक्स का मेयरमेंट ले रहे होते हैं और उनके लिए वो इजी होता है कैरी करना, क्योंकि दोनों पेंस को एक दूसरे के ऊपर रखा और इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है। लेकिन जो फिजिकल बैलेंस है वो एक थोड़ा पूरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। ओब्वियसली वो जो है नहीं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते और ना ही उस चीज़ को कैरी करना इजी होता है, तो हर किसी ने अपना स्टैंडर्ड अलग बनाया हुआ है, अलग चूज़ किया हुआ है, क्योंकि उन्हें जिस चीज़ में आसानी होगी वही चीज़ यूज़ की जाएगी ओब्वियसली। देन आ जाता है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस किस तरह से होता है कि इसमें भी उसी तरह से दो पैंस यूज होते हैं, इसकी डायग्राम इस तरह से है, ये इसमें दो पैंस हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये उसका एक लेवल है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर एक ये नॉब सी लगी होती है, दैट इज अरेस्टमेंट नॉब, अरेस्टमेंट नॉब। यहाँ पे इसके लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी, दोनों साइड्स पे लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। देन हमारे पास ऊपर क्या आ जाता है, इसका ऊपर बैलेंसिंग स्क्रूज होते हैं इस तरह से, ये अटैच हुए होते हैं इससे, ये भी बैलेंसिंग स्क्रू है, एंड ऑब्वियसली इस साइड वाला भी बैलेंसिंग स्क्रू।
यहाँ पे हमारे पास अटैच हो रही होती है एक बीम, ठीक है, और वो बिल्कुल एक पॉइंटर शो कर रही होती है एट द एंड। ये है स्केल, जिस स्केल के ऊपर हमें मेजरमेंट्स मिलेंगी कि हमारा वेट कितना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, हाफ के जी आ रहा है, जिस तरह भी है वो हमें इस स्केल के अकॉर्डिंग पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पिलर्स होते हैं, दैट इज पिलर एंड दैट इज पॉइंटर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर सबसे पहले हमने लेवलिंग को चेक करना होता है, फिजिकल बैलेंस में सबसे पहले लेवलिंग को चेक करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे पैंस बिल्कुल इस लेवल के साथ अटैच कर जाएं, जिस तरह ये है, तो क्या होगा अगर हम इसमें कोई वेट रख भी देते हैं तो वो ना मूव कर सकता है, ना अपवर्ड मूव कर सकता है, ना डाउनवर्ड मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है उसके पास। इसलिए सबसे पहले लेवलिंग स्क्रू से ये किया जाता है कि ये जो लीवर है, ये बिल्कुल बेसिक लाइन, इसको सेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है कि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस पैन और लीवर के दरमियान रह जाए, ताकि जब हम मैस रखें तो जो ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है और उसने नीचे मूव करना है, तो वो उसके पास थोड़ा डिस्टेंस हो ताकि वो मूव कर सके। इसी तरह से हमने इस पॉइंटर को सेट करना है जीरो पे। इस पॉइंटर को सेट करने के लिए क्या होगा, बैलेंसिंग स्क्रू को हम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करवाएंगे, ठीक है। अगर ये बिल्कुल जीरो पे नहीं आ रहा तो इट मीन्स हमें लेवलिंग स्क्रू से उसको थोड़ा डाउनवर्ड करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंटर जो है जीरो पे अटैच हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। और अगर बहुत ही ज़्यादा नीचे आ रहा है, लाइक पॉइंटर बिल्कुल ही जीरो के ऊपर आ गए, तो वो भी एक एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, इसलिए जस्ट को इनसाइड करना चाहिए, तो वो हम बैलेंसिंग स्क्रू से करेंगे। अब होगा क्या, एक पैन में हमने राइट पैन में एक नॉन मैस रख देना है, लाइक 1 kg का रख दिए। अब 1 kg का रखने से इस तरह होगा कि ये जो पॉइंटर है वो मूव करके आगे चला जाएगा, ठीक है, पॉइंटर मूव करेगा और जो मैस होगा वो शो करेगा। अब जब हम लोगों ने दूसरे पैन में एक अननोन मैस रखना है, अननोन मैस, क्योंकि हम मैस को मेजर कर रहे हैं कि अगर एक मैस इतना है तो सेकंड जो अननोन मैस है वो कितना होगा। एक में हमने नॉन मैस रख दिया, अब जो अननोन मैस है उसके रखने से अगर तो पॉइंटर अगेन जीरो पे आ जाएगा, इट मीन्स के दोनों इक्वल हैं, एक नॉन मैस एंड एक अननोन मैस जो है वो बराबर है। तो अगर ये पॉइंटर जीरो पे नहीं आता, इट मीन्स उनमें थोड़ी वेरिएशन है, उस वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नॉन मैस रखते जाएंगे, लाइक 1/2 kg, देन जितना भी हमें चाहिए होगा हम उसके अकॉर्डिंगली उस पैन में रखते जाएंगे और दूसरे अननोन मैस को कैलकुलेट कर लेंगे जब पॉइंटर बिल्कुल जीरो से कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये फिजिकल बैलेंस जो है हम आमतौर पे लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, और ये बहुत वहाँ पे इसलिए जो है अच्छा कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये थोड़ी हमें एक्यूरेट रीडिंग दे देता है, उसके पॉइंटर की जो है मोशन से हमें पता चलता है कि मैस कितना हो सकता है, ठीक है, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी बहुत हमें पता की जा सकती है। बट ये ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि ये 250 किलोग्राम से ज़्यादा मैस जो है मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि लेवलिंग स्क्रू भी इतना ज़्यादा मूव नहीं कर सकते नीचे कि वो बहुत ज़्यादा कर जाएँ, और पैन जो है वो जब नीचे मूव करे तो वो लेवल के लीवर के साथ अटैच ना हो सके, इसलिए सिर्फ 250 किलोग्राम तक फिजिकल बैलेंस जो है मेजर कर सकते हैं। और लेबोरेटरीज में जो 9-10 लेवल पे होते हैं वो फिजिकल बैलेंस इजीली यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े मैसेस को नहीं मेजर करना होता। तो इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन भी होती रही, देन हमारे पास आ जाता है लिवर बैलेंस, दैट इज लाइक इसी तरह से होता है, उसमें भी एक लिवर होता है एंड दो पैंस होते हैं। अब दो पैंस में यहाँ पे भी एक स्केलिंग हुई होती है, स्केलिंग पे भी पॉइंटर होता है,
अब पॉइंटर की मोशन से हमें पता चलता है कि मैस बराबर हो गए हैं या नहीं। एक पैन में अगर हम लोगों ने मैस रखा है 2 kg का, तो पॉइंटर थोड़ा सा मूव करके आगे चला जाएगा। और जब हम अननोन मैस रखेंगे, तो अगर तो वो एग्जैक्ट 0 पे आ जाता है पॉइंटर, इट मींस दोनों सेम है, दोनों का मैस सेम हो गया। लेकिन अगर नहीं आता, इट मींस थोड़ी बहुत वेरिएशन है, और इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा कि हम लोग इस ऐसा मैस यहाँ पे सिलेक्ट करें, स्टैंडर्ड मैस जो हम चूज़ कर रहे हैं, कि इन दोनों दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम रहे। अगर नहीं होगी तो पॉइंटर जो है वो 0 पे कोइंसाइड नहीं करेगा। तो लीवर बैलेंस पे पाकिस्तान में काफ़ी यूज़ हो रहा है, और इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें तो जब दूध दही वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे ये लिवर बैलेंस बहुत यूज़ होता है। उनके पास जाहिर बात है वो जो है बीम बैलेंस यूज़ नहीं कर सकते कि पकड़ के बैठे रहें, तो उनका थोड़ा स्टैंडर्ड अप हो जाता है, एंड देन दे यूज़ द लिवर बैलेंस। देन द बेस्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होता है, एक स्केलिंग उसको पहले से प्रोवाइड कर दी जाती है, एंड वो इतने एग्जैक्ट फिगर्स बताता है कि अगर हमारा जो वेट है वो 1/2 kg है, लेकिन क्या है उसमें फिर भी पॉइंट्स में भी वैल्यूज अगर आ रही हों 5-6 kg, तो हमें वो भी शो करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किस तरह से होता है कि हमारे पास एक ये मिरर का ग्लास का जो है बॉक्स होता है, उसमें एक पैन होता है, जस्ट सिंगल पैन, एंड इस पे हमारे पास डिजिटल मीटर लगा होता है, डिजिटल मीटर। और इसका काम क्या होता है कि हमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट जो है रीडिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज अ ग्लास केस। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑन ऑफ का बटन लगा होता है, ऑन ऑफ। सबसे पहले आपको, क्योंकि इसके नाम में ही है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इट मीन्स इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे आप वो प्रोवाइड करेंगे, इसको ऑन करेंगे, और कोई भी मैस रखेंगे अंदर, इवन ये इतना मैस काउंट कर सकता है कि अगर आप स्टोन रख रहे हैं कोई छोटा सा, या आप कॉइन का 1 rupee का कॉइन या कोई भी कॉइन का मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जस्ट आप उसको पैन में रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल बैलेंस को, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को, ऑन का बटन प्रेस करेंगे, एंड देन वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट इवन इन पॉइंट्स भी बता देगा कि आपके पास कितने किलोग्राम या कितना वेट इस कॉइन का आ रहा है। अब हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन से, इनका जो है हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आएगा, मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो एक इन बैलेंसेस से हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक कॉइन की ही एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उसको बीम बैलेंस के थ्रू जो है मेजर किया। बीम बैलेंस में क्या हो रहा है, एक साइड पे हम लोग मैस रख रहे हैं और दूसरी साइड से हम अननोन मैस फाइंड आउट कर रहे हैं 2 pans के थ्रू। तो हमारे पास एग्जांपल में है कॉइन, ठीक है, और इसने बीम बैलेंस के थ्रू हमें पता चला कि इसका वेट है 3.2 grams, ठीक है। अब 3.2 grams में क्या होगा कि इससे भी एक्यूरेट मेजरमेंट आ सकती थी हमारे पास अगर हम कोई अच्छी वाली जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते, तो इसका जो हमारे पास वो लीस्ट काउंट आता है जो ये एक छोटी सी मेजरमेंट कर सकता है, दैट इज़ 0.1 gram, ठीक है। और इसको मिलीग्राम्स में भी लिखा जा सकता है या 100 mg, एंड नहीं और 100 mg, एंड 100 mg एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, दैट इज 100 × 10⁻³ grams, मतलब माइनस में पावर चली गई है। तो बीम बैलेंस जो मेजरमेंट कर सकता है उसके एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, एक लीस्ट काउंट जो है, दैट इज 0.1 gram या 100 mg, ठीक है। अब उसी कॉइन को अगर हम लोग अपने फिजिकल बैलेंस से जो है चेक कर रहे हैं, जिस पे पॉइंटर के थ्रू हम चेकिंग करते हैं कि पॉइंटर 0 पे है या नहीं है, तो हमें उससे वेट मिला बाय फिजिकल बैलेंस, उसी कॉइन का वेट 3.24 grams मिला, ठीक है।
ठीक है, इसका मतलब है कि उससे थोड़ी और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आ रही है और उसको और एक्यूरेट बनाया भी जा सकता है। तो इस फिजिकल बैलेंस का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम्स। 10 मिलीग्राम्स मीन 10 × 10⁻³ ग्राम्स। और माइनस में जिस पावर जो वैल्यू उसके साथ आ रही है वो जितनी छोटी होगी मतलब वो ज़्यादा बड़ी है। इसमें अगर 100 देखें तो 100 को हम लोग आम रूटीन में तो एक ज़्यादा वैल्यू काउंट करते हैं ना अकॉर्डिंग टू 10, बट अगर पावर माइनस में है तो मतलब वो उतनी ही छोटी है, उतने टाइम्स छोटी है। तो 100 मिलीग्राम हमारे पास एक छोटी क्वांटिटी है जबकि 10 मिलीग्राम हमारे पास 100 मिलीग्राम से थोड़ी बड़ी वैल्यू है। और फिजिकल बैलेंस हमें इस हद तक 0.01 ग्राम्स तक एक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को कंसीडर करते हैं कि उसमें हम कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं। उसी कॉइन का जो है हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखा, ठीक है, और उससे हमें इसका वेट मिला 3.247 ग्राम्स। इसका मतलब है सबसे एक्यूरेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम्स। इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट ये दे सकता है। जितनी लीस्ट काउंट की वैल्यू कम होगी मतलब लीस्ट काउंट कम है उतनी एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा आएगी, एक्यूरेसी ज़्यादा और लीस्ट काउंट कम तो हमारे पास सबसे एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो हमने अभी तक मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया है कि उसमें बीम बैलेंस भी होता है, फिजिकल बैलेंस होता है, लीवर बैलेंस होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। अब उन बैलेंसेस के साथ हमने एग्जांपल्स को देखा है कि अगर एक कॉइन का मास जो है बीम बैलेंस हमें 3.2 ग्राम बता रहा है तो उसी को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस यूज़ करके और वो हमें दे रहा है 3.24 ग्राम्स। उसी को अगर फर्दर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में हम देखें तो वो हमें एक और सिग्निफिकेंट फिगर दे रहा है दैट इज 3.247 ग्राम्स। तो हमारे पास सबसे एक्यूरेट जो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस।